Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll study the chapter The Adventure of Class 11th from the book Hornbill, written by Jayant Narlikar. Jayant Narlikar was born on 19th July 1938. He was an Indian astrophysicist. So, firstly, about chapter in brief. ये चैप्टर एक साइंस फिक्शन है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के कैरेक्टर्स के बारे में। स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं गंगाधर पंत गायतवांडे, ये एक प्रोफेसर हैं एंड एक हिस्टोरियन भी हैं। सेकंड है राजेंद्र देशपांडे, ये फ्रेंड हैं हमारे मेन कैरेक्टर के यानी कि गंगाधर पंत के। सो ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड गंगाधर पंत गायतवांडे। तो प्रोफेसर गायतवांडे जा रहे थे एक लेक्चर डिलीवर करने। लेक्चर का टॉपिक था बैटल ऑफ पानीपत। ठीक, अब जब वो लेक्चर देने जा रहे होते हैं उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है एक ट्रक से एंड वो कोमा में चले जाते हैं। इतना सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है प्रोफेसर का, वो 2 दिन तक कोमा में ही रहते हैं। नाउ होता क्या है कि रियल वर्ल्ड में तो ये कोमा में जा चुके हैं बट इनके माइंड में एक अलग ही वर्ल्ड चल रहा है यानी कि वो पास्ट में चले जाते हैं और वो जो वर्ल्ड है जो इनके दिमाग में चल रहा है यानी कि पास्ट, उसकी हिस्ट्री और रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री दोनों में काफी डिफरेंस है, दोनों मैच नहीं करते। अब सबसे पहले बताते हैं दैट रियल वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है। अकॉर्डिंग टू रियल वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ ये था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कि अफगान्स ने मराठास को डिफीट कर दिया था, मराठास के लीडर विश्वासराव को मारकर। ओके, बट प्रोफेसर के माइंड में जो हिस्ट्री चल रही थी अकॉर्डिंग टू डेट विश्वासराव ने बुलेट मिस कर दी थी यानी कि उनको गोली नहीं लगी थी, मराठास जीत गए थे एंड अफगान्स हार गए थे। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया पे रूल नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये हिस्ट्री थी चल रही थी प्रोफेसर के माइंड में। एंड इन रियल वर्ल्ड ऐसा हुआ था कि अफगान्स ने मराठास को डिफीट करने के बाद ब्रिटिशर्स यहाँ आए एंड उन्होंने इंडिया को एनस्लेव कर लिया था एक तरह से। बट प्रोफेसर की इमेजिनेशन में ऐसा हुआ कि मराठास जीत गए और ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल नहीं कर पाए। तो ये डिफरेंस है दोनों हिस्ट्रीज में, एक जो रियल वर्ल्ड वाली हिस्ट्री है और दूसरी जो प्रोफेसर के माइंड में चल रही है जो कि कोमा में है। अब पैरेलल वर्ल्ड के इवेंट्स जो वो अपने माइंड में देखते हैं उनको थोड़ा हम देख लेते हैं सो डेट आप कंफ्यूज ना हो रियल वर्ल्ड और पैरेलल वर्ल्ड में। सो देखते हैं डेट पैरेलल वर्ल्ड में प्रोफेसर के साथ क्या क्या चीजें हुई। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। दी जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग दी पुणे बॉम्बे रूट कंसीडरेबली फास्टर देन दी डेकन क्वीन। स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम पैरेलल वर्ल्ड ऑफ मिस्टर गायतवांडे यानी कि उनके माइंड में जो पास्ट चल रहा था वहां से। तो प्रोफेसर ट्रेवल कर रहे होते हैं इन ट्रेन बॉम्बे टू पुणे एंड ये जो बॉम्बे है ये इंडिपेंडेंस से पहले वाला बॉम्बे है। ठीक, जैसा कि नेम से ही अंडरस्टूड है बिकॉज बॉम्बे इज नाउ कॉल्ड मुंबई। सो ट्रेन का नाम क्या है, दी जीजा माता एक्सप्रेस जो कि फास्ट चल रही है देन दी डेकन क्वीन, ये किसी दूसरी ट्रेन का नाम है। एंड या कोमा में होने के बावजूद प्रोफेसर का माइंड काफी एक्टिव था और वो सोचते हैं कि जब वो बॉम्बे पहुंचेंगे तब वहां की बड़ी लाइब्रेरी में जाएंगे एंड हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे बिकॉज दैट्स द श्योरेस्ट वे टू फाइंड आउट कि पास्ट में क्या हुआ था या हिस्ट्री क्या कहती है, उसके बाद ही हम प्रेजेंट सिचुएशन को और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ वो अफगान्स एंड मराठास बैटल के बारे में पता करना चाहते हैं कि जो हिस्ट्री उनके माइंड में चल रही है वो सही है या नहीं। ओके, ही ऑल्सो प्लान्ड इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव अ लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देशपांडे हु वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड। और उन्होंने ये भी प्लान कर लिया था कि जब वो पुणे वापस लौटेंगे तब वो राजेंद्र देशपांडे से मिलेंगे जो कि इनके फ्रेंड हैं, जो उन्हें श्योरली हेल्प करेंगे कि आखिर वास्तव में हुआ क्या था। बट तभी वो सोचते हैं कि आई होप दैट राजेंद्र देशपांडे स्टिल एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। नाउ ऐसा उन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि कुछ फैक्ट्स उन्हें सही नहीं लग रहे थे, वो कंफ्यूज थे। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रोल टुवर्ड्स द आजाद मैदान। और आफ्टर लाइब्रेरी वो जाते हैं आजाद मैदान की तरफ।
अब ये वही प्लेस है जहाँ पे वो लेक्चर डिलीवर करने जा रहे थे, यानी जाने वाले थे इन रियल वर्ल्ड। और उनके लेक्चर का टॉपिक था कैटास्ट्रोफी थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री। तो इन पैरेलल वर्ल्ड ये आजाद मैदान पहुंचते हैं एंड देखते हैं कि स्टेज पे चेयरपर्सन की सीट खाली है। अब ये स्टेज पे जाते हैं एंड माइक उठा के अपना लेक्चर डिलीवर करने लग जाते हैं। ना जैसे ही बोलना स्टार्ट करते हैं, ऑडियंस उनको कुछ पसंद ही नहीं आता, ऑडियंस को उनका बोलना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। तो वो आवाजें करने लग जाते हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, चिल्ला रहे हैं, एक तरीके से वो प्रोफेसर को डीमोटिवेट करने लग जाते हैं। अब ये इंसिडेंट हो रहा था उनके पैरेलल वर्ल्ड में, और उनके इस स्टेज वाले राजेंद्र मेंशनड हिम टू साइलेंस एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन। फाइनली ही टर्न्ड अराउंड एंड सेड, प्रोफेसर गायतोंडे, आई विल ट्राई टू रैशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थ्योरीज। एंड जब कोमा से बाहर आने के बाद जब ये अपने दोस्त से डिस्कस करते हैं, राजेंद्र देशपांडे से प्रोफेसर, तो वो उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्या कहते हैं वो देखते हैं। सो इन रियल वर्ल्ड जब प्रोफेसर ये बात बताते हैं अपने फ्रेंड को, तो वो कहते हैं कि ये जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे थे, इसके पीछे दो रीजन, दो थ्योरीज हो सकती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट कैटास्ट्रोफी थ्योरी, एंड सेकंड वो बताते हैं लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। नाउ कैटास्ट्रोफी थ्योरी में क्या होता है ये समझें पहले। कैटास्ट्रोफी थ्योरी स्टेट्स दैट अ स्मॉल चेंज और अ सडन चेंज इन एनी सिचुएशन कैन रिजल्ट इन अ शिफ्ट इन बिहेवियर। मींस कैटास्ट्रोफी थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी सिचुएशन में कोई भी स्मॉल चेंज और अ सडन चेंज क्या करता है, रिजल्ट्स इन अ शिफ्ट इन बिहेवियर। बिहेवियर में शिफ्ट यानी कि बिहेवियर में चेंज लाता है। तो राजेंद्र देशपांडे इनको समझाते हैं कि कैसे। अब देखो, बैटल ऑफ पानीपत में हुआ क्या था, मराठास के जो दो लीडर्स थे वो डिफीट हो चुके थे। कौन कौन? विश्वासराव और भाऊसाहेब। अब इसका इम्पैक्ट बाकी सारे मराठास पे पड़ा। क्या इम्पैक्ट पड़ा? वो डीमोटिवेट हो गए बिकॉज उनके लीडर डिफीट हो चुके थे, अब उनको लीड कौन करेगा, है ना। आगे राजेंद्र देशपांडे बताते हैं कि जब तुम जा रहे थे लेक्चर डिलीवर करने, उस टाइम तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी यही बात चल रही थी एंड तभी सडनली तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, यानी कि सिचुएशन में सडन चेंज आ गया और जिसकी वजह से तुम्हारे बिहेवियर में भी सडन चेंज आ गया और माइंड शिफ्ट हुआ और ये सोच लिया माइंड ने कि बुलेट मिस हो गई थी एंड मराठास डिफीट नहीं हुए थे, वो जीत गए थे और इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ चला गया। ये चीज तुम्हारे माइंड ने एक्सेप्ट कर ली ड्यू टू सडन चेंज इन सिचुएशन, मींस एक्सीडेंट बाय ट्रक। तो ये हुआ फर्स्ट कैटास्ट्रोफी थ्योरी की वजह से। नाउ सेकंड वो बताते हैं लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। क्या कहते हैं वो कि ये भी एक रीजन हो सकता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू दिस, इलेक्ट्रॉन्स बिहेवियर अराउंड न्यूक्लियस इन एटम कांट बी प्रिडिक्ट, मींस वो बेसिकली चेंज होता रहता है इन डिफरेंट स्टेट्स या हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। एंड जब ऐसा होता है तो वो पल्स ऑफ रेडिएशन या रेडिएशन को सेंड करता है। अब जो रेडिएशन है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन स्टेट वन में है वो स्टेट टू में नॉकआउट हो जाता है बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अब ये बताते हैं कि अगर यही सेम चीज हम इम्प्लाई करें प्रोफेसर के केस में, तो वहां भी ऐसा ही हुआ बिकॉज रियल लाइफ में भी ट्रांजिशन होती है। तो हो सकता है जब प्रोफेसर लेक्चर डिलीवर करने के लिए जा रहे थे तब उनके माइंड में ये बात तो चल ही रही थी कि क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं कैटास्ट्रोफी थ्योरी की ऑन दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है या एक तरीके से ट्रांजिशन हो जाती है। अब ट्रांजिशन कैसे होती है, तो देखो जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं उसमें हम एक ही हिस्ट्री को पढ़ते आए हैं हमेशा से बुक्स में एंड उसी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड हमारा माइंड भी उस हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर चुका होता है और हमारा माइंड एक टाइम पे एक ही हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर सकता है। सो जब प्रोफेसर के माइंड ने ट्रांजिशन ली तो उनके माइंड ने पैरेलल वर्ल्ड वाली हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लिया कि मराठास जीत गए थे, एक्सेप्ट रियल वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री जहां पे मराठास हार गए थे। तो इसलिए राजेश देशपांडे बताते हैं कि लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी भी एक रीजन
हो सकता है कि तुम्हारे माइंड ने ऐसा रिएक्ट किया, यानी कि पैरेलल वर्ल्ड वाली हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि तुम उस टाइम एक्सीडेंट के टाइम इसी टॉपिक पर सोच रहे थे और हमारा माइंड हमारे एक बार में एक ही हिस्ट्री एक्सेप्ट कर सकता है, तो तुम्हारे माइंड ने पैरेलल वर्ल्ड वाली हिस्ट्री को एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी. With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section, and please like and share this video and subscribe to the channel.